आर अम्बेडकर जी, सभी सहकारी गण, जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी। ये वाकई जैसे कि आपने, हमारे डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि माननीय काशीराम जी भी क्योंकि इसी खित्ते से वो रहे हैं तो जिक्र किया करते थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। पीआर साहब भी यहाँ रहे हैं चंडीगढ़ साइड में, इनकी कर्म भूमि काफी दिन ने काम किया ऑडिट में, ऑफिसर रहे हैं। यही मुलाकात संभवत मान्यवर महानायक काशीराम जी की हुई और आपके बड़ा जिम्मेदार आपको दिया। आज उस महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी, जो ये मानो के कह देते हैं कि सिखों के गुरु, ऐसा नहीं है, सभी के गुरु या फिगर वो रहे हैं। अभी की 300 कुछ साल, 1666 का बर्थ है तो बहुत दिन नहीं हुए, 399 में 300 साल मनाया गया था, प्लस ये जोड़ लो 21-22 मान के चलो। तो ये महापुरुष का वाकई जिक्र हम लोग जो ये कर रहे हैं महापुरुषों की कड़ी में, जिन्होंने वाकई ये एक्चुअली उस तरह के गुरु या हम कहेंगे कोई पूजने के लिए उन्होंने अपना काम नहीं किया, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम किया। हालत खराब थी, बहुत दिन से चल रहा था, और इसका पीछे से अगर देखा जाए हिंदू धर्म की कुरीतियों को महात्मा बुद्ध ने देखते हुए इसमें परिवर्तन लाए, उसकी बुराइयों को अच्छाई की तरफ अच्छाई ढूंढ करके उसमें एक नया धर्म, जो कि ये मान के चलो कि हिंदू धर्म उससे पहले का माना जाता है, तो उन्होंने जब देखा कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं ये एंड प्रॉब्लम्स हैं, कुरीतियां हैं, उनको हटा करके एक नया धर्म दिया। उसने काफी हद तक अपना जोर दिखाया, भारत में कुछ हद तक पनपा, बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी सराउंडिंग एशिया में कहाँ तक पहुंच गया। और वो एक तरह का थिंकिंग वाला है, थिंकिंग वाला कंसेप्ट उसमें है। और देखिए उनकी तरक्की, जापान की तरक्की देखिए, चाइना में भी काफी हद तक हुआ, तिब्बत है बहुत, ये दलाई लामा थिंकिंग वाला प्रोसेस, मैं कहता हूँ कि चलिए ये तो हम लेके चलते हैं कि उन्होंने काफी हद तक उसको, हमारे यहाँ नहीं रहा बट अभी भी है, ऐसी बात तो नहीं, चल तो रहा ही है बहुत। एक जो चीज जो अच्छाई आ जाती है वो मरती नहीं है, वो चलती रहती है। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 10वीं सेंचुरी में काफी इन्वेडर्स आए यहाँ पे, घुसे इन्वेडर्स आए, उन्होंने काफी परेशानियां करी लोगों के। तो ये लिखारी लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद के मारू प्रभाव के नीचे दबी कुचली भारतीय जनता बिल्कुल अचंभित व आतंकित हो गई, ना उनको वो संभालने वाले, वो कास्ट में बांट रखा था, और इधर के ये लूटने वाले आ गए, तो देवर इन्हें प्रॉब्लम, तो बहुत ज्यादा। इसी के बाद देखा जाए तो कबीर जी आए, रविदास जी, एक भक्ति लहर चलती है, और 1469 में गुरु नानक देव जी प्रवृत्त होते हैं। उन्होंने अपना एकदम जो शुरू में जैसे हिंदू धर्म में होता जनेऊ डालो, नहीं डाला कि नहीं इसका कोई काम नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई सच्चाई नहीं आती, सफाई नहीं आती। वो जनेऊ कहता सच्चाई का डालो, जनेऊ पवित्रता का डालो, जनेऊ मत सच्चाई पे बहुत जोर दी। तो कहते कहते ये चलता गया, शुरुआत होती है, कोई विचार चलता है, और ये उसमें गुरु नानक देव जी ने काफी खराब राजे भी देखे। एक जगह लिख दिया उन्होंने, राजे सिंह, सिंह मतलब शेर की तरह, राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, सुतों को सोते लोगों को रात को अटैक करके वो, ये इतना जैसे शायद बाबर के समय में ये लिखा गया, उन्होंने बहुत वो गड़बड़ कर दिया था, बहुत मारामारी करी, तभी उन्होंने ऐसा उनके दिल से निकली, जबकि वो तो एक संत आदमी थे। राजे सी मुकद्दम कुत्ते, शब्द भी देखिए, जाए जगायन बैठे सुते। तो ये फिर जो है करते करते गुरु काफी, हमारे दूसरे गुरु जैसे गुरु अंगद देव जी आए, उनके बाद उनको गुरुगद्दी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी,
गुरु अर्जुन देव जी, जिनको के कोई कुछ भी बात नहीं थी उसमें, एक खाली जहांगीर के टाइम पे उनको शहीद कर दिया गया बड़े क्रूअल वे में, उनको उनको तत्ती जून का महीना, और उनको आग जला के ऊपर बिठा दिया, ऊपर से रेत डाल दिया। तो करते करते फिर वो कहते हैं कि रावी में बहा दिए गए। तो ये एक क्रूअल्टी थी कि संत आदमी से, खाली यही था कि ये सोचा जहांगीर ने कि उसके लड़के को कुछ गुरु ने समझा दिया, वो खाली उनकी जैसे होता ना कान के कच्चे होते हैं लोग, राजे रहते ही हैं, उन्होंने बहुत गलत काम किया। तो यहाँ से आगे फिर ये होता है कि भाई ठीक है ऐसे, तो फिर ये तो गुंडागर्दी होगी। छठे गुरु आए हरगोबिंद, फिर कहा कि ना ये खाली उससे नहीं, भक्ति से नहीं चलेगा, भक्ति और शक्ति दोनों रखनी पड़ेंगी, मीरी और पीरी। उन्होंने फिर दो झंडे लगाए, एक शक्ति का एक भक्ति का। तो वो उस समय से उन्होंने फौज का फिर थोड़ा ये सो वही बात बना, नीड फिर थिंकिंग, इसमें चलते चलते उन्होंने अपना एक फौज बना के उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी और जीते भी। और एक ये लगने लगा कि हम ऐसे ही नहीं है, ठीक है हम तो रब की बात करते हैं या लोगों की भलाई की बात करते हैं। बात ये थी कि इनको ये भी चिढ़ हो गई थी कि गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, जैसे ये हमारे गुरु हैं, उस समय तो ये मनुवाद था ही भारी, अभी भी है थोड़ा, उस समय तो बहुत ही था कि रविदास की वाणी कैसे आ गई, उसमें बहुत जगह लिखा कहत रविदास चमारा, उसमें तो शब्दों में आता है। तो इनको कुछ को बुरा लगा होगा कि ये इन्होंने भड़काया, तो इन्होंने होगा किसी हिंदुओं ने, तो कहने के मतलब है भड़काया होगा, बट वो थे उस समय मुसलमान राजा जो भी थे, उनको चापलूसी करके उनको ये करवाया गया। तो उसके बाद हर राय जी आते हैं, और हर कृष्ण जी 7-8 साल की उम्र में ही वो यहाँ पे से 7-8 की उम्र रहे उनके। तो ये उसने इन्होंने औरंगजेब ने बुलाया था कि मेरे मेरे समक्ष पेश हो, उन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं होऊंगा तुम्हारे सामने, और मैं आऊंगा तो कहीं शायद जयचंद थे उनके घर पे रुके थे, तो फिर माता वहाँ बीमारी फैल गई थी तो उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी आते हैं, उन्होंने थोड़ा बोल गए थे, बड़े निढाल पड़े थे, बीमारी में बोल नहीं पा रहे थे। कहा उन्होंने क्या यही कहा कि आगे बाबा जी आगे किसके हमें आगे किसके लड़ ला के चले हो, तो उन्होंने कहा कि बाबा बकाले, धीरे से बोले। तो बाबा बकाले फिर वहां पे ढूंढा गया, लक्खी शाह लुबाणा। तो ये तो खाली ये हो गया लक्की, तो वहां पे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी कहानी आएगी थोड़ी सी आगे। तो गुरु तेग बहादुर जी का आप जानते ही हैं इनको, फिर वो जैसे बहुत अत्याचार कर रहा था, ये हो रहा था, तो उन्होंने उनके पास आए, तो ब्राह्मण ही वहां के आए थे, तो कृपा राम करके आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी बहुत हालत खराब है, 1.25 मन जनेऊ निकालता डेली, और ये 1.25 मन के बंदे कितने हो, कितने हाउ मैनी पीपल ही वॉज कन्वर्टिंग डेली, दैट इज बस है तो गलत था, पर वो जो भी है। जबकि सिख इन्होंने इनका तो गुरु तेग बहादुर ये तो मूर्ति पूजा वगैरह इसमें नहीं बिलीव करते थे, पर फिर भी उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा ही तभी रुकेगा जब तक उन्होंने ये कहा कि हाँ कि भाई आप उसको मानते हो गुरु तेग बहादुर को, ठीक है उसको मुसलमान अगर वो उसको गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जाओ के बोलो उसको औरंगजेब को कि मुझे अगर वो मुसलमान बना सकता है तो मैं बन जाऊंगा मैं, तो फिर वो सब बन जाएंगे। तो खैर वो बनना तो था नहीं, उनको लिया गया, आगरे से गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे जो आपका चांदनी चौक में शहीदगंज गुरुद्वारा, उनको दो उनके जो दो या तीन मतीदास सतीदास भाई दयाला, उनको बड़े क्रूअल वे से एक को उसमें उबलते हुए उसमें देगे में डाल दिया गया, एक को रूई बांध के आग लगा दी गई। तो इस तरह का उनके सामने के गुरु जी डर जाए, गुरु तेग बहादुर जी नहीं डरे, डर अपना करते रहे, तो उनका उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं ना जो बहुजन के ही लोग हैं वही तो स्ट्रांग रहे हैं। भाई जैता एक भंगी थे बेचारे, ये हमारे जैसे वाल्मीकि समाज से बहुत आई अंधेरी चली, जो भी हुआ उनका शीश उठा ले गए, नहीं तो बेअदबी करते, वो कह रहे थे इनको टांगना टांग देते, वो कह रहे इनको टांगेंगे तो लोग देखें कि तुम्हारा गुरु खत्म कर दिया गया, एंड ऑल दैट पीपल विल अफ्रेड ऑफ। और ये अपना लेके चले गए अब वहां पर आनंदपुर साहब में, ये मात्र 9 साल के थे गुरु गोविंद सिंह, छोटे बच्चे थे अभी। तो वो मैं आऊंगा कब जन्म हुआ, छोटी सी बात है, बाकी भी हम अशोक की तरफ भी बढ़ेंगे। तो ये करते करते उनको शहीद कर दिया गया। और देखिए दूसरे बंदे लक्खी, ये तो हो गए अपने ये भाई जैता, ये बेचारे लेके चल दिए और गुरु आनंदपुर साहब तक लेके गए। तो बीच में एक घटना भी आती है कि जहाँ ये रुके भाई जैता शीश लेके, तो इनको पता चल गया कि यहाँ रुका था। तो उस परिवार के बंदे ने कहा हेड ने कि मेरा सिर काट के काट दो और कह देना कि यही तेग बहादुर है।
देखिए कितना बड़ा एक क्या था उनके अंदर, एक कैसी डेडिकेशन थी, क्यों जुड़े थे लोग। लड़कों ने काट दिया और दिखा दिया कि ये है गुरु तेग बहादुर, क्या नहीं, फौज को थोड़ा भरमा दिया, वो आगे निकल गए भाई जैता या गुरु गोविंद सिंह के पास पहुंचे। उसमें गोविंद राय, शुरू में गोविंद दास रखा नाम, गोविंद राय भी कहते हैं गोविंद दास, पर गोविंद सिंह बाद में, वो तो 1699 जब खालसा पंथ साधता सिंह लगता है, तो ये फिर लेके चले। तो कहा कि वाह क्या बात है, तुम इतना बहादुर आदमी, इतने इतने तुम जो है उससे दुश्मनों से निकाल के ले आए शीश को, सिर को। तो फिर कहा रंगरेटा गुरु का बेटा, फिर उन्होंने पदवी दी। तो इसी का आगे कारण बनता है कि ज्यादातर फौज में लोग गुरु गोविंद सिंह के, हमारे ही लोग थे, जन जो अब आएगी बात। तो कहने का मतलब है यहाँ तक तो ये कहानी चली गई। तो इसके बाद ये कहने का मतलब 250 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को, ये जो निर्भय निर्वैर समाज सृजन हेतु गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, यानी कि 1699 में जब ये खालसा पंथ की साजना करी गई कि भाई तुम गीदड़ हो, तुम सियार हो, इससे तुम शेर बनो, जो वो घटना आप जानते हैं। वो थोड़ा सा अब आ जाते हैं हम हल्का सा इधर, गुरु गोविंद सिंह का जो आगमन पंजाब के इतिहास में एक प्रमुख घटना स्थान रखता है। गुरु नानक से लेकर नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर तक स्थापित सिद्धांतों को व इसके बीच घटी घटनाओं, गुरु अर्जन देव की शहीदी और अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहीदी व अन्य राइट थिंकर्स के साथ हुए अन्याय अत्याचार के परिणाम स्वरूप खालसे आजाद व्यक्तित्व, खालसे का मतलब आजाद व्यक्तित्व, फ्री हेतु खालसा पंथ का सृजन परिणीत हुआ। बेसिकली फ्री करना था दबे कुछ, तुम भाई दबे हुए, इनको फ्री करने का ये प्रोजेक्ट था। 250 साल लग गए, गुरु नानक ने अपना प्रचार किया, जैसे हम उतना तो नहीं कहेंगे बात, प्रचार जो अभी हमारी ये संस्था चल रही है प्रचार की तरफ है, ये प्रचार करके फिर एक ही दम उसमें बाल आता है, वो टाइम लगता है। 250 साल तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये क्लियर है, ये तो इतिहास अभी का है, लिखा हुआ है, बहुत सारे इसके लिए बुक्स है, साखियां इसको कहते हैं, एक हमारे पंजाबी कहते हैं साखियां, साक्षी, यू कैन से साक्षी, साखी यानी कि उनकी जीवन जीवन जो लिखे हैं। तो ये इसके बाद इनको अत्याचार, ये प्रणाम स्वरूप खालसे का हुआ। 1699 खालसे पंथ के सृजन से पंजाब की एक विशेष, पंजाब को एक विशेष दिशा प्रदान की, पंजाब तो लिखा है पर इसमें भारत को भी ले सकते हैं। इस पंथ द्वारा अपनाई गई नीति निर्देश ने भारत के इतिहास में भी एक नए अध्याय का शुभारंभ किया। तो इसमें एक गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जैसा ये हम अशोका की तरफ चले तो उसको भी बिलव्ड ऑफ गॉड्स कहा गया, ये आती है, मैंने पढ़ रहा था, आप भी सब सहमत होंगे, काफी लोग जो और जानकार हैं, बिलव्ड ऑफ गॉड्स, ये कहीं ना कहीं देखो जो सुपर लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ, इसको हम लोग उस तरह नहीं जाएंगे, सुपर नेचुरल जो भी कह लीजिए, थोड़ा सा जुड़ाव कहते हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, उनको ऊपर वाला कह रहा है, मैं सुत तोहे निवाजा, मैं तुम्हें अपना पुत्र करके भेज रहा हूं, पंथ प्रचूर करने को साजा, इसको पंथ चलाना तुम, जाए हे तहां पे धर्म चलाएं, कुबुद्धि, जो खराब बुद्धि वाले हैं, कुबुद्धि करते लोक हटाएं, जो गलत काम कर रहे हैं, तू जाना और पंथ चलाना और जो कुबुद्धि वाले लोग हैं उनको हटाना, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भब लियो। अब देखिए पटना का हम वैसे एक कॉन्सिडेंसी है, ये अशोका की पाटलिपुत्र आ जाते हैं यहाँ पे, हो सकता है वो हम उस तरह नहीं जाएंगे, कोई कोई क्या कहते हैं इसको सुपरस्टिशन में नहीं, बट इट मे बी कॉन्सिडेंस, इनका जन्म भी वहीं होता जहाँ अशोका दी ग्रेट के जो उनका राजधानी थी वहीं का जन्म भी उनका वहीं का मान के चलो। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ जुड़ाव, अब इसको हम लिखत में तो कुछ सीधे सीधे नहीं मिलेगा, बट वी हैव टू, हमारे भी ये थिंकर्स बैठे हैं सभी, ये भी कर सकते हैं, ये काम हम भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं कि ये कोई PhD टाइप का, ये PhD भी हो ही जाती है एक तरह की, जब हम एनालिसिस करेंगे भैया वहाँ ही था तो यहाँ कैसे हुआ, यही होता है, दिस और गलत झूठ ये वो मिला के हम, तो ये फिर वो जीवन मनोरथ इसने क्या कहा गुरु गोविंद सिंह ने, फिर कहा यही गुरु गोविंद सिंह बोल रहे हैं, यही काज धरा हम जन्म, हमारे इस जन्म में हमारा यही काम है, कुबुद्धि गलत लोगों को ठीक करना, समझ लेहो साधु सब मनम,
अपने मन में साधु जितने भी लोग हैं समझ लेना, धर्म चलावन संतो बारन, संत का मतलब ये भी ले सकते हैं कि अच्छे लोगों को उनकी जो दबा रखे थे उनको उठाना, धर्म चलावन संत चलावन, दुष्ट सबन को मूल उपासन, यानी दुष्टों को उपारण उपारण उनको हटाना, मतलब लाइक दैट, एक तरह का उन्होंने अपने आप को कहा। तो यहाँ इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 लिखा है जो बुक्स में पढ़ रहा था, पटना में होता है। गुरु तेग बहादुर उस समय मुंगेर, भागलपुर, मालदा, गोपालपुर व ढाका में गए हुए थे। एक राजे का, वहां के राजे और मुगलों का जो डिस्प्यूट था उसको सुलह कराने के लिए, और सुलह करा के वो आए भी। देखिए, क्योंकि वो मात्र गुरु थे, उन्होंने तो फौज नहीं, गुरु तेग बहादुर तो कोई फौज नहीं थी, वो तो खाली ऐसे संत, एक प्रचार, एक यू कैन से जो कि उनको अच्छी बात बताने वाले थे, पर वहां जाके उनकी मान ली। तो ये मेहर चंद और भाई कल्याण चंद ने उनको बताया गुरु तेग के, भैया अपना गोविंद दास जी पटना में, माता गुजरी वहीं थी, उनके मामा थे कृपाल दास, तो वहां जन्म हुआ, तो खुशी मनाएगी, गोविंद दास नाम रखा गया। तो ये एक तरह की ये घटना के वहां बर्थ होता है। और फिर उसके बाद 4, 5, 6 साल रहे वहां पे, 1673 में आनंदपुर साहब ले आए गुरु तेग बहादुर, यहाँ पे आगे चल के इनको अपना काम करना था। मादर देश हमको ले आए, भांत भांत दाइयन दुलराए, दाइयों ने जैसे हम कहते हैं उन्होंने बड़े दुलार किए, छोटे बच्चे थे, किन्नी अनेक भांत तन रक्षा, तन की रक्षा करी, दीनी भांत भांत की शिक्षा, ये शिक्षा लिखा है स छी, ये शिक्षा से मतलब, ये पंजाबी में लिखा शिक्षा या शिक्षा। तो यहाँ भी उनके मुंशी पीर मोहम्मद काजी थे जो ये फारसी वगैरह सिखाते थे, मुंशी साहेब चंद थे, बजर सिंह शहादरा के, इन्होंने ये शस्त्र विद्या सिखाई, बजीरा ये बाकी इस यहाँ तक इनका ये चलता है। तो ये तो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद, फिर ये मान के चलो कि हम अब आए थोड़ा थोड़ा इधर को, एकदम इन्होंने फिर उस समय जब थोड़ी कोई चीज बुरी लगती है या बहुत अत्याचार होता है तो कोई ना कोई चीज उठती है, वही हुआ कि बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने अपना एक मतलब के लोगों को कहा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, अभी जो है आप इतने जो है ये गिद्धों से शेर बन जाओ। और इन्होंने फिर इसके बाद इसमें एक जो, हाँ ये थोड़ा सा ये मैकलिफ राइट स्लिक 1775 में गुरु तेग बहादुर को वहां अरेस्ट किया गया इन आगरा। इस शहादत की तुलना दुनिया की किसी शहादत से नहीं की जा सकती, बिकॉज गुरु जी हैज सेक्रीफाइज हिमसेल्फ फॉर द कॉज ऑफ हिंदूज टू विच ही इवन नॉट बिलीव, वो तो नहीं करते थे बिलीव। कहता है ऐसी घटना एक ही लगती है कि अपने धर्म के लिए तो चलो ठीक था, वो तो उनके धर्म के लिए खत्म हो गए, शीर्ष उन्होंने दे दिया। ये है एक किताब है सिख रिलीजन, 232-277 पेज पे लिखा हुआ है, इंदु भूषण बैनर्जी कहता है, ये कहता है थोड़ा, कहता है ये तो सेल्फ सॉर्ट मर्टायरडम कर लिया उन्होंने अपने आप ही, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया मेरे को बनाते हो तो मैं फिर। सतवीर सतीबीर सिंह कहते हैं ये शहादत कौम को जथेबंद कर गई कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अगर ऐसे मारामारी करेंगे ये, फिर लोग इकट्ठे होने शुरू किए, इतना बड़ा उनका नहीं, उन्होंने पूछा उन्होंने किया क्या था, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, कोई फॉल्ट भी नहीं था उनका, यही था कि उन्होंने धर्म कबूल नहीं किया था। तो इसके बाद इट इज ट्रू दैट आफ्टर दैट औरंगजेब हैज नॉट इवन एबल टू पुट हिज फीट, जब ये घटना होगी दिखा कहीं और होगा, लड़ रहा होगा कहीं पे, वो तो अपनी बढ़ाता रहता था ना अपनी जो टेरिटरी। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो अपना ये सीखा गुरु गोविंद सिंह ने, तो इस बार कहीं कहीं देखो जिक्र, अब मैं इसको शॉर्ट ही करूंगा थोड़ा सा। इसके बाद जब ये वहां पे चले गए, एक भंगाड़ी की लड़ाई होती है, देखिए यहाँ हम अशोक को देखते हैं, इन्होंने उसको युद्ध को वो नहीं किया ना, ये देखो मैं इसको लिखा है, इसको युद्ध नीति का त्याग किया था इन्होंने, दे आर नॉट, ये क्या था जो पहली भंगाड़ी की युद्ध होती है, एक राजा था भीमचंद, उसके बेटे का शादी थी, श्रीनगर का एक राजा था, तो उसको ये थोड़ा गुरु सिंह बेटी की तरह मानते थे, उसके लिए दहेज भेजा था। तो इसका जो भीमचंद था लड़के का जो फादर था, उसने जाके उनको अटैक किया इनके ऊपर, तो ये फिर लौट आए, तो उसके बाद ही ये जंग होता है। कहने का मतलब वही कि
जैसे अशोका कहता था कि नो आई 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 विल बी आई विल बी गेट प्रिपेयर्ड बट आई वोंट मेक ए नीति, नीति नहीं हम बनाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। सभी लड़ाइयाँ जीती हैं, 5-6-11 लड़ाइयाँ हुई हैं, ये उकसाई गई हैं। कोई क्योंकि इन्होंने तो कोई अपनी टेरिटरी बनाई नहीं है, एक किला होता था कोई ऐसा कोई बहुत, इन्होंने तो कोई थी क्या, बंदा बहादुर ने बाद में आके जब नांदेड़ के पास, वो तो बाद की बात आएगी जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब है, अब मैं इसको, ये तो लड़ाइयाँ काफ़ी लड़ी, आनंदपुर साहब की कहानी थोड़ी सी आप चले जाएंगे, जो कि बाद में ये 1704 के आसपास हुई, वहाँ से ये इन्होंने कस्में खाई जो गुरदर्शन सिंह ने उसने बताया था, इसको रिपीट हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद के भाई तुम निकल जाओ किले से, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, इन्होंने गऊ की कसम खाई, उन्होंने कुरान की कसम खाई, जो भी है। खैर जैसे बाहर निकले दे हैव अटैक एंड वहाँ से इनका परिवार बिछड़ गया। तो उसके बाद सरसा नदी में इनका बहुत सारा लिटरेचर बह गया वहाँ पे। उसके बाद ये माता गुजरी हुए वहाँ पे चले गए, एक दिन तो किसी मुसलमान के उसमें रुके, एक फिर उसके बाद वहाँ से गंगू ब्राह्मण ले गया अपने घर खेड़ी, रोपड़ जिले में ही है, तो वहाँ उसने रुकवाया। तो रात को उसको लालच आ गया, उस बेवकूफ ने क्या किया उसमें अपना, वो जो माता जी के पास थोड़ा बहुत वो थी, तो रात को वो चराने आया, तो शायद माता जी ने देख तो लिया पर कहा कुछ नहीं। तो सुबह उसने देखा कि गंगू ये क्या बिखरा पड़ा तुम्हारा, मतलब कहने का मतलब मेंटेलिटी वही जो है, मतलब के कहने का मतलब आज से गलतियां थोड़ी हो रही हैं, सदियों से ही गलती किए जा रहे हैं, सुधरे नहीं, मतलब है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैंने तो किया, मैंने आपको ठहराया, तो आप मेरे पे आरोप लगा रही हैं, तो उल्टा थाने में बंद करा दिया। देन दे हैव कॉट द छोटे साहबजादे जोरावर फतेह सिंह, और उनको आप पता ही है कि बाद में उनको नीहों में चनवा दिया गया। ये भी वर्ल्ड में शायद एक ही घटना होगी कि एक छोटे छोटे बच्चों को वहां चनवा दिया गया, चनवा के जय गुरुदर्शन सिंह ने बताया था कि वो छोटे बच्चों का वो शहीद काट के नहीं करते, शहीदी जैसे उनको जिंदा ही जला दबाने की बात आती है। तो बड़ी एक घटिया वो थी, और माता गुजरी ऊपर ही वो ठंड, ऐसे देखिए कैसी रात होती है, पौष कहते हैं, पौष इतनी ठंडी, 25-26 दिसंबर वहां रखा गया विदाउट एनी कपड़ा। एक जो बेचारा वहां पे मेहरा, वो भी देखिए बहुजन समाज का ही था, वो आता था रात को छुपके छुपा पैसे दे के वहां दूध देता था, पता चला कि दूध दिया बच्चों को, उसको भी कोल्हू में पिड़वा दिया पूरे परिवार को। तो दिस वाज़ अ टू मच ऑफ क्रुएल्टी, ये बहुत ज्यादा क्रुएल्टी चलती रही। तो एक कहने का मतलब है कि ये एक हुई उसी समय को जब ये चनवा रहे थे, तो इसने जो वजीर खान था ये सरहंद का, जो जिसको वो कहते उस समय सूबा सरहंद, तो उसने कहा पास बैठ उसको बुलाओ, कही शेर खान को बुलाओ वहां से मलेरकोटले का जो था, तो कह रहा भाई ठीक है तुम्हें देता हूँ बच्चों को, तुम इसको चनवा दो, तुम्हारे भाई को गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई में मारा गया था तुम्हारा भाई, वो कह रहा तुम बेवकूफ हो, मैं क्यों मारू, तो बच्चे हैं, इनके पिता से बदला लेंगे वो तो गुरु सिंह। तो कहने का मतलब है ये थोड़ा सा बुराई की उससे ही ये चीजें पैदा हुई। और उसके बाद तो गुरु गोविंद सिंह जी फिर वहां से चले गए, चलते चलते फिर वो और भी लड़ाइयां लड़ी बाके, फिर चले गए चलते चलते बहादुर शाह से थोड़ी सी इनकी वो थी फ्रेंडशिप मान के चलो, या बहादुर शाह मानता था, जो कि किसके बेटे हुए ये औरंगजेब के, बहादुर शाह जफर। तो नांदेड़ में पहुंचे वहां, या तो ये रणनीति थी कोई, वहीं ये बंदा बरागी मिला उधरी, तो ये ही वाज ए सॉर्ट ऑफ तांत्रिक, बट उन्होंने जब कहा कि तुम यहाँ तांत्रिकपना अपना चला रहे हो, जाके वहां देखो कितने लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर ये अपनी एक तरह का सेनापति बना के उनको भेजा। उसने बहुत बड़ा काम किया था वहां पे अप टू सहारनपुर, या नजीबाबाद, नजीबाबाद दौला यहाँ राजा था, उसको हरा फा के लाहौर से लेके इतना राज लंबा चौड़ा किया। उससे पहले गुरु नानक देव जी की, अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि वो एजुकेशन पॉइंट था, मक्का मदीना एंड ऑल लंका, इधर बांग्लादेश, उधर भूटान, ये तिब्बत पूरे में गए वो। कहने का मतलब है अपना विचार देना हो तो उस समय तो ये इस उदासियां 4-5 उदासियां करी उन्होंने। तो कहने का मतलब है क्या ऐसा भी क्या कैसी अंदर से वो थी कि मैं सबको सिखाऊं इनको ठीक करूं। तो एक वो चलती चलती 250 साल के बाद ये इधर आके एक फौज में प्रवर्तित, गुरु गोविंद सिंह जाए मात्र 42 साल में, क्या एज होती है 42 साल में इतना काम करके चले गए। और इसको तभी कहा गया साहेब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी का, है ना, गुरु गोविंद सिंह कहा गया साहेब कमाल, कमाल ही हो गया साहेब कमाल तभी है, 42 साल की उम्र में ही एक इतना पंथ खड़ा कर देना, अपनी कोई टेरिटरी नहीं बनाई उन्होंने, कुर्बानी कुर्बानी से ही भरा पड़ा, 9 साल की उम्र में पिता शहीद हो गए, है ना। तो कहने का मतलब इन्होंने जो है और ये किया,
आगे चल के हम थोड़ा सा, अब मैंने जो इसको शोका के साथ थोड़ा जैसे देखा, इक्वालिटी, हाँ ये बड़ा एक वो बीच में पॉइंट रह गया थोड़ा सा, दैट वाज ए, ये जो इसका आपका ये हुआ खालसा पंथ की जो साजना है 1699, जिसका 300 साल अभी मनाया गया था, तो उसमें वो जो है आपका, इसमें सभी धर्मों के लोग, देखो ये लाहौर के पहले जो कहा था कि मैं भाई मुझे तो आपका सिर चाहिए, आ जाओ, सभी को उन्होंने अपने वो भेजे, उसको कहते थे हुक्मनामा, हुक्मनामा इट इज ए सॉर्ट ऑफ कि आप आइए भैया, आपको कोई बात करनी है आपको, तो आगे लोग, पहला बंदा खड़ा हुआ लाहौर का था भाई दयाराम, जो बाद में दया सिंह बना, उसमें तंबू में ले गए, एक कृपाण चलाई, उसमें आवाज आई गर्ज के साथ, क्या कट्टा कोई पता नहीं था, ओके, सेकंड टाइम फिर आए, फिर उसके बाद कहे कि भैया और चाहिए, लोग डर गए, माता गुजरी के पास गए कि आपका बेटा क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं, तुम अपना, उनके आंखों में बिल्कुल जलाल, तो हस्तनापुर का निवासी जिसको दिल्ली का भी कहा भाई धर्मचंद, ये जाट थे, भाई हिम्मत राय ये जगन्नाथपुरी के थे, भाई मोहकम चंद ये द्वारका के थे, और भाई ये साहेब चंद ये बिदर, बिदर ये आपका आ गया शायद इट इज महाराष्ट्र या कर्नाटका के उसमें बॉर्डर पे कहीं है ये, तो ये बंदे देखो कहाँ कहाँ से, इसका मतलब वाइड स्प्रेड इनकी आवाज पहुंच गई थी पूरे इंडिया में, द्वारका कहाँ है, जगन्नाथपुरी वो उड़ीसा चला गया, पूरा इंडिया से मतलब हाउ द पीपल हैव कम, और खड़े भी कोई कहीं का हुआ, ऐसा तो नहीं को पंजाब पे खड़ा हुआ, कहने का मतलब उस समय कहा कि तुम, उन्हें कहा कि ठीक है गुरु के लिए हम कुर्बान है, पर तभी पांचों को बाहर लाए कि भाई आज से तुम देखो, जिसने कहता मौत को जीत लिया उसने, उसके डर को जीत लिया उसने, मौत को जीत लिया, ये शेर हैं आज से सिंह हैं, सिंह उनका फिर उस समय सिंह रख दिया, कोई सरनेम कुछ नहीं होगा, ये राम दया सिंह है ना, ये मोहकम सिंह एंड ऑल दैट, इनके नाम सिंह पे रखे गए, और इनको फिर उसमें एक पहले ये होता था कि शायद पाँव चरणामृत को अमृत कहते थे, चरणों को पाँव को पानी निकाल के, किंतु तो नहीं इन्होंने खंडा, उसमें खंडा घुमाया, जो एक वो लाए बड़ा पतीला जो बर्तन, उसमें पानी डाला, खंडा चलाया, फिर उसने माता जो इनकी पत्नी थी जीतो जी, उन्होंने बताशे डाल दिए, बताशे भी कहते हैं, उसमें घुमाया, तो कहने का मतलब एक रीत बदली उन्होंने, कि ये क्या पाँव का मतलब चरणामृत क्या हुआ, तुम इसे करो ये शक्ति है, तो फिर उनको एक ही में सबको पिलाया, जात पात खत्म, डी कास्ट कर दिया एक तरह, ये हम लोग इसको भी जो हमारी स्टडी चल रही है इसके साथ भी जोड़ना है, जुड़ता ही है ये, तो जब भी कोई अच्छा काम होगा तो डीकास्ट तो करना ही पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में डीकास्टेड है ही है, थोड़ा बहुत है होगा वहां, बट हमारे अगर चले गए होंगे लोग इधर उधर के तो उन्होंने कुछ खुला, पर कहने का मतलब डीकास्ट जो है इक्वालिटी, कोई डिफरेंस ना होना तभी तो आएगी तरक्की, मैं अच्छा हूं मेरे से काम नहीं लिया जा रहा, रमेश चंद जी ने बहुत काम किया उसके बाद लोग वहां खाली बैठे हैं, खाना खाते हैं चले जाते हैं, कहने का मतलब है अच्छे को कब, ये फिर ये कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन इसी ने बैठा बैठाया इंडिया का, और ये खाली कहते रहते हैं विश्व गुरु एंड ऑल दैट, काहे के विश्व गुरु अभी तुम लोग अपना तो सुधार नहीं पाते, अब हम लोग इसको बाकी, हाँ नंदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह इसी ने, हाँ वजीर खां को शक हो गया था कि गुरु गोविंद सिंह जी की शाह इससे बनती है बहादुर शाह से, इसको डर हो गया था कि मैंने साहेबजादे छोटे मां खत्म कर दिए तो मेरे को नहीं छोड़ेगा ये, तो इसी इन्होंने दो आदमी भेज दिए वहां, दो नाम थे विशाल खां कोई नाम थे, दो दो बंदे उनको भेज के नांदेड़ में जब ये अपना रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने धोखे से आके उनको बरछा मार के मारा, और 10-15 कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह जब बंदे बहादुर को भेज दिया था तो ये फिर एक्सपायर कर लिया, वहां पे उनका बहुत बड़ा वहां गुरुद्वारा है अबिचल नगर, हम भी मैं दो बार विजिट कर चुका हूँ वहां पे, तो एक अब आ जाए मैं ये, अब हम लोग थोड़ा सा क्योंकि मैं भी इसको क्लोज करना मेरा लंबा हो जाएगा, इक्वालिटी अशोका एंड गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह का मैं बता ही दिया, इक्वालिटी उन्होंने अपना 5 साल के कर दिया, और इसमें 3-4 चीजें आती हैं, अशोका काल में उनके राज्य में विस्तार से निष्कर्ष निकलता है कि उनको सर्वजन बहुजन प्यार करते थे, तो सभी आ गए ना, तो ये आ गया युद्ध की नीति, त्याग करता हूँ बंगाणी युद्ध, ये अनंतपुर युद्ध, ये कस्बे खाने के बाद भी उन्होंने किया, तो युद्ध की नीति त्याग करता हूँ ये मिलता है, अशोका की पॉलिसी रही है, अनमिश की विद्या, इन्होंने 52 कवि रखे थे पांवटा साहब में, पढ़ाने का भी उनको बहुत वो ही था, विद्या विद्या बचारी तो परोपकारी, वही परोपकारी बंदा है जो विद्या को बिचार के आगे बात करता है, जो गुरु नानक देव जी ने लिखा है तो उसी को लेके इन्होंने 52 कवि वहां रखे थे पांवटा साहब में, तो वहां पे स्टडी उनको लिखो ये करो, बनारस भी भेजे एंड ऑल दैट,
कहने का मतलब वो जैसे अनुज की विद्या थिंकिंग, 42 साल में इतनी लड़ाइयां लड़ जाना, इतने ग्रंथ लिख देने, ये थिंकिंग से तो आए। अनुज की विद्या भी वहां पे चली, उसको नाम नहीं दिया गया बट इट वॉज देयर। तो ये है अपना। इसके बाद हम अगर थर्ड पॉइंट ले क्या करता हूँ, जैसे ये है, जैसे कैसे अशोका ने पिलर्स पे लिखवाया, उसमें नेचुरली मेथड इतना कोई एडवांस नहीं था राइटिंग का, या जैसे पिलर्स पे उनका कहे पक्के तौर पे इसको एक हमारी वो रहे, इसको कोई खत्म ना कर पाए, जबकि खत्म किए गए तब भी बचे। तो अब गुरुओं के सामने, गुरु गोविंद सिंह साहब ने काफी लिखवाया, क्योंकि प्रिंटिंग आ गई थी और कुछ हाथ का भी स्याही वगैरह उपलब्ध थी, तो ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। कहने का मतलब एक हमारा सबूत रहा, आज भी है, वो भी मिलता है। उन्होंने पिलर पे कर दिया, बट देवर आफ्टर, ये तो काफी साल पीछे आ जाओ, 1600 आपका लगा लीजिए उधर को, आप मैं आफ्टर अशोका करके हमें वो कितने साल हो जाएंगे, 18-19 साल जो भी होंगे, 1900 साल उसके बाद। तो ये प्रयत्नों की प्रकाशा कैसे निकालेंगे, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी फौज खड़ी करके, इतने लड़ाई लड़ देनी, इतने ग्रंथ लिख देने, इतने लोगों को ऑर्गेनाइज कर देना, पूरे इंडिया के लोगों को आगे पंथ में डाल देना, ये भी प्रयत्नों की प्रकाष्ठा में आता है, वही जैसे अशोका करते थे। तो हम आज का दिन जो है इसी तरह को हम इस चीजों को मिलाते हुए, इन चीजों को समझते हुए गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हैं, उनकी जो बहुत बड़ी जो योगदान है इक्वालिटी का, जो हमारे भी यहाँ जो सिख धर्म में जो लोग आए हैं नेचुरली यहाँ पे रमदासिया सिख जैसे बने, तो ये भी एक बहुत इन्होंने भी हाई हेडेडनेस रही यहाँ पे रमदासियों में। थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा अफसोस नहीं रहता, हमारे जो बेचारे ये थोड़े भंगी, सॉरी आई वोंट यूज दैट वर्ड, वाल्मीकि समाज इसमें थोड़ा सा नहीं आया, वो थोड़ा सा अभी भी उनका गोहे कूड़े का काम करते रहे हैं काफी दिन तक। दैट वॉज ए टू मच ऑफ स्टूपिडिटी, टू मच ऑफ स्लेवरी, तो वो रही, क्योंकि यहाँ पे धर्म में आ गए, इसमें पगड़ी बंध गई, तो ये ले लिया, तो एक एक तरह एक आपका पहरावा भी तो आपको इफेक्ट करता है, ये भी तो आप डर जाता आदमी, आपके पहने हुए चीजें तो आदमी वैसे ही वो इफेक्ट हो जाए। तो एनीवे मेरा यही वो था, मेरे ख्याल में जितना कि मैं, ये तो एक अथाह समुंदर है इनको बताना, इट्स नॉट सो मच इजी, बट हम लोग थोड़ी तुच्छ बुद्धि वाले थोड़ा जितना बता पाए। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि सुना, धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच मोहन सिंह जी, आपने गागर में सागर भरने की कोशिश की और बहुत बड़े लेक्चर को आपने बहुत ही छोटे छोटे नुक्ते से, छोटे छोटे सेंटेंसों से आपने बहुत बड़ी बात को कम समय में व्यक्त करने की कोशिश की है। आपने समय को बचाने की बहुत कोशिश की है और लेकिन आपका व्यक्तित्व भी काफी सारगर्भित रहा है और अशोक के साथ जोड़कर आपने